हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज इन्फो। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। प्लूटो एक बौना ग्रह है, लेकिन इसे बौना ग्रह क्यों कहते हैं? प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं आता? ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए जानते हैं प्लूटो से जुड़ी कुछ रोचक तथा ज्ञानवर्धक बातें। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड टॉम्बक द्वारा की गई थी। दरअसल क्लाइड टॉम्बक ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था, जबकि वे प्लैनेट एक्स नामक एक अज्ञात ग्रह की तलाश में थे, जो यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। 76 सालों बाद 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में ग्रह की परिभाषा में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार ग्रह की परिभाषा कुछ इस तरह से है, जो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का परिक्रमा क्षेत्र साफ हो, अन्य खगोलीय पिंड ना हो, अर्थात इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। तीसरी अपेक्षा पर प्लूटो खरा नहीं उतरता है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसकी कक्षा नेपच्यून से टकराती है, इसीलिए प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता। प्लूटो जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, तब इसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा होता है। जब यह सूर्य से बहुत दूर होता है, तो इसका वायुमंडल जम जाता है और बर्फ की तरह गिरने लगता है। प्लूटो में दिन और रात का समय बहुत ही लंबा होता है। यहाँ एक दिन लगभग पृथ्वी के 6 दिन 9 घंटे 36 मिनट के बराबर होता है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 45 किलो है, तो प्लूटो पर आपका वजन लगभग 3 किलो होगा। प्लूटो तक पहुंचने में सूरज की रोशनी को लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा वेनेशिया वर्ने ने रखा था। इस बच्ची ने कहा था, रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। प्लूटो ग्रह के कुल 5 चांद हैं, जिनके नाम हैं शेरॉन, निक्स, हाइड्रा, कर्बेरोस, टेक्स। नासा के द्वारा प्लूटो का अध्ययन करने के लिए एक न्यू होरिजन नामक अंतरिक्ष यान 2006 में लॉन्च किया गया है। यह प्लूटो की उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया यह यान पियानो के आकार का था और जिसे सिर्फ प्लूटो को करीब से जानने के लिए बनाया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूबल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।